आज तक बच्चों आपस में गले नहीं मिले हैं। मैम बता दो किस चीज की मुबारक दे रहे हो आप? आपको पता है आज हम अपने प्रिंसिपल लर्न एंड फन की प्रिंसिपल मैम से भी मिलवाने वाले बच्चों को। आपको रुपीज में वो कीमत पता नहीं है जो आपको दी जाए और आप लर्न एंड फन छोड़ दो। अरे हमारी प्रिंसिपल मैडम आ गई है। बच्चों जलने वाला जलता जाएगा, जल्द ही गोल्डन आएगा। क्या बात बोलिए मैम, क्या बात बोलिए। तो आज फाइनली 500 के हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं लर्न एंड फन के 9th 10th पे, और आप सबका थैंक यू। लेकिन आज हम लोग एक छोटी सी एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऑफिस में। तान्या मैम को लेने जा रहे हैं हम लोग। तान्या मैम मैं मुबारक हूँ आपको बहुत बहुत। सर आपको भी कांग्रेचुलेशंस गाइस फॉर 500 के। हाँ जी, तो अब हम लोग एक्चुअली ऊपर ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले सारे टीचर्स का हम लोग वेट कर रहे हैं, और उसके बाद छोटी सेलिब्रेशन और टीचर्स से। और लेकिन मैम सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हम बच्चों को अपनी प्रिंसिपल मैम से मिलवाने वाले। हाँ, ये मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि प्रिंसिपल मैम कौन है। तो आज बच्चों हम आपको प्रिंसिपल मैम से मिलवाएंगे। तो 500K में ये स्पेशल होने वाला है कि आज आप प्रिंसिपल मैम से मिलने वाले हो, तो उनका आपको वेट करना है। मैम उतर जाओ, मैम बस करो। क्या ये बैग लाना छोड़ दिया इसने? ये जान के हाथ से बैग छोड़। ओ जान कुछ के लैपटॉप आई सर आज। मैं मुबारक हो 500 के। आज तक बच्चों ये आपस में गले नहीं मिले हैं, ये पहली बार हो रहा है कैमरे में। बच्चों मैं अकेला हूँ, मुझे कोई किसी ने पिक नहीं किया। बच्चों मैं खुद को अपने क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आज सब टीचर अच्छा अक्षय सर को पिक नहीं किया हमने, दूसरे को पिक किया, फिर हम इन दोनों को पिक करने जा रहे हैं। अब शिवांगी मैम ऊपर पहुंच चुकी हैं, और कौन बचा? भूमिका मैम का वेट हो रहा है, वो जिम में है अभी, और जिम मार के वो आएंगे। हम ऊपर ही जा रहे हैं बच्चों, ठीक है फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलो शिवांगी मैम मुबारक हो। मैम बता दो किस चीज की मुबारक दे रहे हो आप? किस चीज की? हमारी 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और ये बात है रात को 11:03 के आसपास की बात है ये, और ये मुझे याद है। मैं रात भर सोई नहीं, मेरी आंखें लाल हो रही है। और कोई बच्चों एक चीज तुमको बता दें, जिस टाइम ये काम डाउन हो रहा था सर ने वो देखा, और उसके बाद हम सबने साथ में देखा, और ये देखो यार हमने वीडियो कॉल किया। ये सबूत है कि मुझे पता है। मैम आपको पता है आज हम अपने प्रिंसिपल लर्न एंड फन की प्रिंसिपल मैम से भी मिलवाने वाले हैं बच्चों को। हाँ हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे पूछते ना मैम आप। हाँ शिवांगी मैम प्रिंसिपल मैम नहीं, प्रिंसिपल नहीं हूँ। हाँ ये पीटी टीचर बन सकते हैं हमारे, इनके डोर। मैं बेटा वॉलीबॉल खेलती थी, मैं वही सिखाती हूँ, और जरूरत पड़े तो बैट। हाँ और थोड़ा कुश्ती भी सिखा सकती हूँ मैम, और मैं कबड्डी भी खेल सकती हूँ। लेकिन और पता कबड्डी अक्षय सर प्रिंसिपल मैम को फोन लगा रहे उनको। रात को सबसे ज्यादा खुशी थी, उन्होंने हमारे फोन भी नहीं उठाया रात को, इसीलिए प्रिंसिपल मैम को फोन मिलाया जा रहा है। नहीं उठा रही अभी तो नहीं। बच्चों हम सब टाइम पे, लेकिन प्रिंसिपल मैम लेट है। देखो तो अगर आपके स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी आपको टाइम पे आने के लिए बोलते तो बता देना, ये बड़े लोग कभी टाइम पे नहीं आते हैं। भूमिका मैम वाइस प्रिंसिपल मैम आ गए। आपको कैसा लग रहा है हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए मैम? मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं इतनी जल्दी आई हूं। हमने बताया आप जिम में थे आज, आपने मैम कौन सी एक्सरसाइज की? आज मैंने लेग डे कर। ओह माय गॉड। और बच्चों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम आ गई है। ये हमारी प्रिंसिपल मैम। मैम हमारे प्रिंसिपल मैम का नाम है प्राची राठी। मैम आपको कैसा लग रहा है 500 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर? ली क्वारंटाइन का और क्या नाम है इनका बेटा? इंस्टाग्राम हैंडल है ली क्वारंटाइन। आप पूरा नाम
ली क्वांट्रल, इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यही होता है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब जो अपनी लाइफ को बहुत प्यार करती हो। ओ माय गुडनेस, पर फिर भी आप आज बहुत लेट आए हो। प्रिंसिपल मैम अगर लेट आएंगे तो क्या मैसेज जाएगा बच्चों को? प्रिंसिपल मैम अगर लेट आएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? ओ माय गॉड, ये तो वायरल बच्चों, इसलिए हम लोग गंदे लग रहे क्योंकि हम जल्दी आए थे बच्चों। बक्के दुन दुन दुन। ये ढीला आदमी था कोई। सोच रहा था। पहला सवाल आशीष सर आपके लिए, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन मैम 3.5। अरे 3.5, तालियां बजा दो बे। 500K on Learn and Fun 9th, 10th, 83K Learn and Fun 11th, 12th. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, जो स्टॉक में आप गए, आप बहुत सारी जगह गए, आपको क्या लगा था आप प्राची राठी के साथ काम करेंगे? Oh my God. मैं जब मैं YouTube पे नहीं था, मैं सपने देखता था कि एक अच्छी एक सुंदर सी मैम हो जिनके साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। वो मुझे उपलब्धि तो नहीं मिली, आज वो पूरी हुई है। अगला सवाल उज्ज्वला। थैंक यू उज्ज्वला। yes. बच्चों ने आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, बच्चे आपको जब मतलब अभी आप इतने फेमस भी हो चुके हो, है ना? ठीक है, अपने इस नए लुक के बारे में क्या कहना चाहोगी? एक्चुअली मैंने अपनी पूरी सोशल मीडिया पे भर दिया था कि इससे पहले कोई दूसरा मेरी बेइज्जती करे, मैं खुद की बेइज्जती कर रही थी कि दिस इज द न्यू छपरी लुक, बट नहीं, ऐसा बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि नहीं ये लुक अच्छा लग रहा है, और आशीष सर उनमें से एक थे। अगर सर ने झूठ बोला है तो सर अभी बता दो। मैंने तो तारीफ की थी मैम की। तान्या मैम, आपको क्या लगता है हमारे चैनल पे 500K हो गए, हमने आधी जर्नी पूरी कर ली, आपको क्या लगता है गोल्डन बटन हमारे पास कब तक आ जाएगा, 1 मिलियन कब हो जाएंगे, कोई डेट आपको लगता हो? सर ऐसे मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकती। मैम करो, मैम आप एक माइलस्टोन आज गाड़ दो, आज झंडा गाड़ दो, चलो सट्टा लगाते हैं, आप बताओ कोई वैल्यू और डेट। मुझे लग रहा है और 2 महीने में हो जाएंगे। 2 महीने, आप क्या कहते हो उज्ज्वला मैम? मेरे बर्थडे तक हो जाए। कब? और बच्चों इनडायरेक्टली मैम ने अपना जन्म कब है आपका जन्मदिन? नहीं, मैं तो सितंबर तक बोल रही हूं। अच्छा, शुरुआत 2 महीने पर, हां चलो वैसे प्यार बना रहा तो हो ही जाएंगे 2 महीने के अंदर, आपको क्या लगता है? मुझे भी 2 महीने। हमें बहुत विश्वास है बच्चों आप लोगों पे। वैसे सर अपन तो 15 अगस्त मनाने वाले थे साथ में 1 मिलियन के, बट कोशिश है कि जल्द से जल्द होगा। 1 महीने में, 1 महीना कम बचा, हाँ 1 महीने से भी कम, 2 के बाद भाई 3 महीने यार। 3 महीने, 3 महीने। प्रिंसिपल मैम आपको क्या लगता है? 5 महीने। प्रिंसिपल मैम बढ़ता जा रहा है, आप बताओ। मैंने एनालिटिक्स देखा है और मुझे भी ऐसा लगता है बच्चों 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग 1 मिलियन पहुंच जाएंगे। अगर 2 या 5 में से क्या होता है, 2 के ज्यादा किसके करीब रहते हैं? तो मैं जीतूंगी, मैंने जानबूझ के बीच का नंबर बोला। क्या बोला था उन्होंने? 3, 2, 3 और 5 में आप वो। मैंने कैलकुलेट किया कि तुम लोग हमें कितना प्यार करते हो डेली बेसिस पे। मैम हम ये बच्चे और अगर आप और प्यार बढ़ाओगे तो आशू सर की बात सच हो जाएगी, और आशू सर की बात झूठी नहीं होने देना है। बाकी टीचर्स ने भी कहा 2 महीने, महीने में पूरा करो। हो सकता है 15 अगस्त पे हम लोग पतंग उड़ा रहे हो और साथ में 1 मिलियन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ अक्षय सर से एक सवाल पूछता हूँ। सर आपको रुपीज में वो कीमत बतानी है जो आपको दी जाए और आप लर्न एंड फन छोड़ दो। नहीं सर, रुपीज में नहीं, कोई एक कीमत तो बतानी पड़ेगी या कोई कीमत नहीं है? सर मैं लर्न एंड फन तो अभी नहीं छोड़ सकता, अभी नहीं मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शिवांगी मैम, सेम क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा सेम ही आंसर है जो आप कभी भी पूछो। मैं अगर स्टार्ट कर दिया किसी के साथ तो फिर उसको सक्सेस पे लेके जाऊंगी। आई कैन नेवर लीव समथिंग इन बिटवीन। हर सक्सेसफुल चीज के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पर 5-5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चलो गिन लो। मैं गिन रही थी, मुझे लगा ये 4-5 निकला तो नहीं है बच्चों, 6 हैं। अच्छा चलो एक सवाल मैं और पूछूंगा। आपको लगता है अभी लर्न एंड फन पे कुछ बदलाव, ऑनेस्ट ये सीरियस सवाल है, थोड़ा कुछ बदलाव आना चाहिए जिससे हम और ग्रो करें, कुछ बदलाव? तो सर मेरे हिसाब से एक व्लॉगिंग चैनल बनाना चाहिए हमको।
अगर आपको लगता है कि हमें आपको टीचर्स को व्लॉग के रूप में भी देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई बदलाव है मैम आप चाहते हैं? नहीं सर, ये वाला तो काफी ज्यादा अच्छा था। अच्छा ही हमने आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था कि हम कहीं कहीं ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं और उससे हमारा भी काफी अच्छा बॉन्ड बनेगा, बच्चों के साथ भी हम काफी अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं सर, यही है। अभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर बच्चों को पसंद आ रहा है तो हम उनका विश्वास ज्यादा जीत पाएंगे। बिल्कुल सर, मुझे तो उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम अब ओवर हुए हैं, पहली बार बच्चों के बोर्ड्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने करवाई है, तो जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बुलाया जाए और मतलब वाकई में उनसे मिलना भी चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग कि बच्चों देखिए अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिजल्ट बताना चाहिए क्योंकि यार देखिए ये ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, भविष्य भी बच्चों का ही बन रहा है, बर्बाद भी उन्हीं का होगा। तो द पॉइंट इज कि अगर ये दिखा सके कि बच्चों का बढ़िया रिजल्ट आया है तो शायद जो बच्चे जगह जगह नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपना रिजल्ट जरूर बताएं, मतलब अगर ये जाता है वाला पार्ट, बच्चों अपना रिजल्ट जरूर बताएंगे जिस जिस टीचर से आप जो जो कनेक्शन पे हो, जहाँ जहाँ पे भी हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। और देखिए अगर खराब आता है तो ऐसा मत सोचो, बस बताओ। अगर आपको लगता है आपका इम्प्रूव हुआ है तो जरूर बताना, प्लीज प्लीज। खराब तो आने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मतलब कई बार बच्चे को लगता है ना कि हाँ वही बच्चे ने होता है, मुझे 85 तो आ ही जाएंगे, मतलब हमेशा इम्प्रूव करते हैं। 84 आता है, 1% पे घर वालों की नजरें ऐसे हो जाती है और बच्चा उस टाइम पे बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाता है कि यार ये 1% भी क्यों नहीं आया। तो तुम्हें लगे कि अगर तुम्हें उस टाइम पे भी कोई हेल्प चाहिए तो भी ऑल टीचर्स आर हियर। अच्छा ही आया, वही बताएं, सब बताएं, वही वही मैं पॉइंट नहीं, अगर जैसा लग रहा है तो मैं आगे भी इसके लिए गाइडेंस चाहिए कि अब नहीं समझ आया 10th के रिजल्ट के बाद, नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें नहीं लग रहा प्रेशर आ रहा है कि साइंस ही लेनी है या फिर जो भी प्रेशर आ रहा है तुम्हारे ऊपर, एक बार डिस्कस कर सकते हो टीचर्स से, आशु सर, बाकी सारे टीचर्स, तुम आशु सर से तो बाकी सारे बच्चे शायद करते भी हैं और यहाँ पे बाकी टीचर्स से भी करते हैं, तो तुम लोगों के पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, सबके अपने, तुम मैसेज छोड़ दो किसी भी वीडियो पे, अगर तुम्हें इतना नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे कॉन्टैक्ट करें, किसी भी वीडियो पे मैसेज छोड़ दो, हर एक टीचर यहाँ पे हर एक वीडियो के कॉमेंट्स देखता है, तो आपके कॉमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए अच्छे अच्छे किया करो, तमीज में रह के थोड़े से। ताने मैम थोड़ा गुस्सा है उसी बात को लेकर, ताने मैम आ गए हो आप, प्लीज एक बार आओ मैम की क्या फीलिंग्स है मैम को। सिंपल तानिया मैम आप बोलोगी, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, तो सिंपल चीज है, देखो आप लोग जो कमेंट करते हो ना बहुत ना पर्सनली इफेक्ट करता, कितना इफेक्ट करता है, सिंपल चीज है, एक एक टीचर ना बहुत मेहनत करता है, शायद रात भर उठ के हम लोग 3-3 बजे तक ये लोग पीपीटीज बनाते हैं। आपको बताते अभी संडे वाली जो आशु सर और तानिया मैम वाली वीडियो आई थी उसमें आशु सर ने रात में 3:30-3 बजे तक एडिटिंग मारी है, उसके बाद हम लोगों ने सुबह जैसे तैसे करके बीच रास्ते में अपलोड करी है, जैसे भी करा आशु सर ने करा, मैं तो कर भी नहीं पाई थी मैं बताती हूँ। तो बहुत मैटर करती है चीजें, जब आप लोग इस तरीके से एक कमेंट कर जाते हो ना, एक नेगेटिव कमेंट कर जाते हो, दैट इफेक्ट्स, बहुत मेहनत करती हैं सारी टीचर्स आपके लिए, तो आप ऐसे कमेंट्स मत करिए अगर ये, ठीक है। चलो एक बात मैं और बोलना चाहूंगा बच्चों, जैसे कि आप लोग क्लासेस देखते हो, सब कुछ देखते हो, जो मैंने पर्सनली फील किया कि हमारा जो चैनल है और जो वे ऑफ टीचिंग है पूरी टीम का, ये वाकई में आज के डिजिटलाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है जो हम लेकर के जा रहे हैं, और ये जब नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जाती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं पर उसको बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव विजन के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और आप लोग को भी उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोग आज फन वे में अच्छे अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सीख सकें, जिसको लोग बोरिंग समझते हैं जिस पढ़ाई को, उसको मजे में पढ़ सकें यार। तो ये सब आपके लिए ताकि आप लोग हंसते खेलते पढ़ो और बढ़े ज़बरदस्त अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बच्चों जलने वाला जलता जाएगा, जल्दी गोल्डन आएगा, क्या बात बोलिए मैम, वाह सर वाह, क्या बात बोलिए, वाह।